फैंसी ड्रेस पार्टी। पेपा और जॉर्ज के यहाँ फैंसी ड्रेस पार्टी है। उन्होंने अपने सभी दोस्तों को बुलाया है। पेपा ने परियों की राजकुमारी की ड्रेस पहनी है और जॉर्ज ने डायनासोर की ड्रेस पहनी है। ये है पेपा के दोस्त कैंडी कैट, सुजी शीप, डैनी डॉग, रेबेका रैबिट और पेड्रो पोनी। सुजी ने नर्स की ड्रेस पहनी है। हेलो सुजी। हेलो मिस्टर पिग। मुझे खुशी है कि नर्स आ गई। क्या तुम अभी अस्पताल से आई हो? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो फैंसी ड्रेस वाली नर्स हूँ। बहुत अच्छे। अरे वाह, ये कौन आए हैं? मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। नहीं, मैं एक जोकर हूँ। बहुत अच्छे। तुम क्या बनी हो रेबेका रैबिट? मैं गाजर हूँ। बढ़िया, अंदर आ जाओ। एक फेरी प्रिंसेस और डायनासोर तुम सबसे मिलने के लिए रुके हैं। कैसे हो दोस्तों? हेलो पेपा। हेलो सुजी, मैं हूँ राजकुमारी पेपा। तुम्हें मुझसे झुक कर बात करनी चाहिए। हेलो राजकुमारी। मैं हूँ नर्स सुजी। मुंह खोल कर कहिए आ, आ। नहीं, मैं हूँ जोकर। कुछ मजेदार करो। रेबेका, तुम गाजर की ड्रेस में क्यों हो? मुझे गाजर पसंद है। डायनासोर। बाप रे, डरावना डायनासोर। पेपा आईने में खुद को खुशी से देख रही है। दीवार पर टंगे हुए आईने, बताओ सबसे सुंदर कौन है? तुम हो पेपा। हेलो पेपा। हेलो, मैं परियों की राजकुमारी हूँ। और मैं जादूगरनी। मेरे पास एक जादुई छड़ी है। मेरे पास भी जादुई छड़ी है। मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। और मैं भी तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। ओहो, जॉर्ज तो खुद को देखकर ही डर गया। ओफो जॉर्ज, देखो आईने में तुम ही हो। बच्चों, अब ये तय करना है कि सबसे अच्छा फैंसी ड्रेस किसने पहना है। अब जज कौन बनेगा? ये पेपा की पार्टी है तो जज भी उसे बनना चाहिए। मैं जज हूँ, मैं जज हूँ। डैडी, जज क्या होता है? जज तय करेगा सबसे अच्छा ड्रेस किसका है। अरे वाह, पेपा ये तय करेगी कि किसकी ड्रेस सबसे अच्छी है। सुजी, क्या मैं तुम्हारा ड्रेस देख सकती हूँ? मैं नर्स सुजी हूँ, मैं लोगों को ठीक करती हूँ। शाबाश नर्स सुजी। अब डैनी। मैं हूँ पायरेट, मुझसे सब डरो। अब कैंडी। मैं जादूगरनी हूँ, मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। मैं परियों की राजकुमारी और मैं तुम्हें मेंढक बना सकती हूँ। बच्चों बच्चों। सॉरी मम्मी। अब कौन? मैं जोकर हूँ। कितना मजेदार है। और रेबेका? मैं गाजर हूँ। अरे वाह। और मेरा छोटा भाई जॉर्ज डरावना डायनासोर बना है। सबके ड्रेस बहुत अच्छे हैं। अब तुम बताओ विजेता कौन है? अरे हाँ, और विजेता है पेपा। पेपा, तुम खुद को नहीं चुन सकती, तुम जज हो। ओह, नहीं कर सकती। तुम्हें कोई और विजेता चुनना होगा। ठीक है, गाजर जीती। वाह, थैंक यू। पेपा को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। सभी को फैंसी ड्रेस पार्टी बहुत पसंद है। मम्मी पिग का बर्थडे। आज मम्मी पिग का बर्थडे है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे कार्ड बनाया है। हैप्पी बर्थडे मम्मी।
ओह, ये कितना प्यारा बर्थडे सरप्राइज है। और भी बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे। अपने बर्थडे के ब्रेकफास्ट का मजा ले लो, आराम से खाओ। यम्मी। जल्दी करो, हमें बाकी सारी तैयारी करनी है। डैडी पिग ने मम्मी पिग के लिए बर्थडे केक बनाया है। अब हमें सिर्फ कैंडल्स लगाने हैं। एक, दो। मैं आ रही हूँ। मम्मी पिग ने अपना बर्थडे ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया। मम्मी आ रही है। ओ नहीं, हम अभी तैयार नहीं हैं। कौन है? मैं हूँ मम्मी, क्या मैं अंदर आऊँ? नहीं नहीं। यहाँ पर कुछ सीक्रेट चल रहा है क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं, लेकिन तुम अंदर नहीं आ सकती। अच्छा। मम्मी पिग, तुम आराम से हॉल में जाकर बैठ क्यों नहीं जाती? हाँ, ये अच्छा है। वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। ठीक है पेपा, मुझे पता है सोफा कहाँ रखा है। ये लो एक अच्छा सा मैगजीन। थैंक यू पेपा। और प्यारा सा म्यूजिक सुनो। थैंक यू पेपा। हमें उतनी कैंडल्स चाहिए जितनी मम्मी की उम्र है। एक, दो, तीन। ओ नहीं, हमारे पास उतनी कैंडल्स नहीं है। डैडी, मम्मी कितने साल की है? मैं तुम्हारे कान में बताता हूँ। वाव, बहुत बड़ी है। हो, मुझे लगता है 3 कैंडल्स काफी हो जाएंगी। मम्मी पिग का बर्थडे केक तैयार है। हुरे! हमें और कुछ नहीं, बस अब हॉल की सजावट करनी है। हेलो मम्मी। ओह, आ गए तुम लोग, मैं थोड़ी बोर हो रही थी। मम्मी, क्या आप गार्डन में एक वॉक लेना चाहेंगी? क्या मेरे पास और कोई रास्ता है? नहीं। बाय बाय मम्मी, अच्छा सा वॉक लेना, हम आपको जल्दी बुला लेंगे, ठीक है? मैं तो भूल ही गई थी कि बर्थडे पर कितना काम करना पड़ता है। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज हॉल को सजा रहे हैं। मजा आ रहा है। दादा और दादी पिग मम्मी पिग का बर्थडे मनाने आए हैं। हैप्पी बर्थडे मम्मी पिग। क्या तुम अंदर नहीं आ रही? ओह, मैं अभी अंदर नहीं आ सकती। डैडी पिग, पेपा और जॉर्ज मेरे बर्थडे के लिए कुछ सीक्रेट कर रहे हैं। ओह, अच्छी बात है, बाद में मिलते हैं। बाय। मम्मी, क्या आप अंदर आना चाहोगी? हाँ बिल्कुल आऊंगी। आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद ही रखो मम्मी। एक, दो, तीन, अपनी आंखें खोलो। हैप्पी बर्थडे मम्मी। कितना प्यारा सरप्राइज है ये। चलो अब कैंडल्स बुझाओ और विश मांगो। मम्मी मम्मी, अपना गिफ्ट खोलो, गेस करो इसमें क्या है। मुझे नहीं पता। तो खोलो और देखो। ये तो बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। आप खूबसूरत हो मम्मी। अब इसे पहन कर किसी अच्छी जगह पर जाना चाहिए। ये क्या है? 2 टिकट्स आज रात के फिल्म की, चलो चलें। थैंक यू। मम्मी पिग को फिल्म देखना पसंद है। मैं और दादी पिग बच्चों को घर पर संभाल लेंगे। हुर्रे! कितना अच्छा बर्थडे है, लगता है मैं दुनिया की सबसे लकी मम्मी हूँ। और खूबसूरत भी। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिग का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले।
मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिग गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिग, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल हम आ रहे हैं। क्या हम वहाँ पहुँच रहे हैं? अभी नहीं। ओह। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिग किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट? नहीं। नीले रंग का गाड़ी में कुछ है? नहीं। हार गए? हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओह डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए, हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुँचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी। चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुँच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह, दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिग की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं। हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। पेपा और जॉर्ज ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के घर खेल रहे हैं। ग्रैंडपा पकड़ो। हो, 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 पकड़ो। ओ, ये क्या है? डायनासोर। एक डायनासोर। ग्रैंडपा आप क्या कर रहे हैं? मैं ये बीज बो रहा हूँ। बीज? बीज क्या करते हैं? बीज बड़े होकर पौधे बनते हैं। मैं बस एक छोटा छेद बनाऊंगा और उसमें बीज डाल दूंगा।
फिर मैं इसे मिट्टी से ढक दूंगा और पानी डालूंगा। मेरे बाग की हर चीज इन छोटे बीजों से ही उगी है। ये बड़ा सेब का पेड़ भी? ओ हाँ, ये छोटा बीज बड़ा होकर एक छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा इस तरह। और ये छोटा सेब का पेड़ बन जाएगा एक बड़ा सेब का पेड़ इस तरह। और इस सेब में बहुत सारे बीज हैं। और सेब के पेड़ उगाने के लिए? बिल्कुल ठीक। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, मुझे भी एक बीज लगाना है। क्या तुम एक स्ट्रॉबेरी का बीज लगाओगी? हाँ बिल्कुल। ये बीज बढ़कर एक प्यारा स्ट्रॉबेरी का पौधा बन जाएगा। पहले एक छोटा छेद बनाओ। फिर मैं ये बीज डालूंगी और मिट्टी से ढक दूंगी। क्या मैं इसमें पानी डालूं? नहीं नहीं, मैं पानी डालूंगी। ठीक है, अब हमें इसके बढ़ने का इंतजार करना है। पेपा और जॉर्ज बीज के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। इसमें तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तुम्हें धीरज रखना होगा पेपा, इसको बढ़ने में बहुत समय लगेगा। पेपा, जॉर्ज, घर जाने का समय हो गया। लेकिन हम इस पौधे के बढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे चाय के साथ स्ट्रॉबेरीज चाहिए। चिंता मत करो पेपा, अगली बार जब तुम आओगी तो ये बीज एक पौधा बन चुका होगा। और फिर हमें स्ट्रॉबेरीज मिलेंगी। हाँ। आओ चले पेपा। बाय बाय ग्रैंडपा, बाय बाय स्ट्रॉबेरी। ग्रैंडपा पिग पेपा के स्ट्रॉबेरी के पौधे की देखभाल करते हैं। कुछ दिनों बाद ग्रैंडपा पिग एक छोटे से पौधे को बड़ा हुआ देखते हैं। धीरे धीरे पौधा बड़ा और बड़ा होता गया। फिर एक दिन ग्रैंडपा पिग को बहुत खास कुछ दिखा। स्ट्रॉबेरीज। ग्रैंडपा हम आ गए। पेपा और जॉर्ज फिर से खेलने आए हैं। ग्रैंडपा, ग्रैंडपा, क्या मेरा पौधा बढ़ गया? हाँ, देखो। स्ट्रॉबेरीज। शुक्रिया ग्रैंडपा। ग्रैंडपा, क्या हम कुछ और उगा सकते हैं? हाँ, अब जॉर्ज की बारी है लगाने की। हाँ जॉर्ज, तुम लगाओ गाजर। ग्रैंडपा, मेरे ख्याल से जॉर्ज गाजर लगाना चाहता है। जॉर्ज, क्या तुम गाजर उगाना चाहते हो? ना। तुम क्या उगाना चाहते हो? जॉर्ज ने कुछ सोच लिया है जो वो उगाना चाहता है। डायनासोर। जॉर्ज उगाना चाहता है एक डायनासोर पेड़। तुम भी जॉर्ज, डायनासोर पेड़ पर नहीं उगते हैं। डायनासोर। पेपा और उसका परिवार ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग से मिलने आए हैं। ग्रैनी पिग, ग्रैंडपा पिग, ग्रैनी पिग, पापा पिग। हेलो मेरे छोटे बच्चों, अंदर आ जाओ, हमारे पास एक सरप्राइज है। वो क्या है? हमारे पास है एक नया पेट, क्या बता सकते हो वो क्या है? डायनासोर। अरे नहीं, डायनासोर नहीं है वो। आओ और देखो। ग्रैनी पिग और ग्रैंडपा पिग के पास है एक पेट पैरेट। पेपा, जॉर्ज, ये है हमारा पेट पैरेट, इसका नाम है प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। प्रिटी पॉली। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मैं एक होशियार पैरेट हूँ। मम्मी, ग्रैनी जो भी कहती है पॉली उसकी नकल क्यों करता है? पैरट्स ऐसा ही करते हैं। चलो दिखाती हूँ।
हेलो पॉली। हेलो पॉली। कितना प्यारा सा पैरट है। कितना प्यारा सा पैरट है। आ जाओ सब लोग, चाय पीते हैं। पेपा, जॉर्ज, आ जाओ, यहाँ चॉकलेट केक है। अरे ग्रैनी। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट खाना पसंद है, लेकिन आज वो वापस जाकर पॉली पैरट के साथ खेलने की जल्दी में है। खत्म हो गया। तुम बच्चे कितना शोर करते हो। ग्रैनी, क्या हम दोनों जाकर पॉली पैरट को देख सकते हैं? क्या तुमने अपना चॉकलेट केक पूरा खत्म कर लिया? फिर तुम जा सकते हो। जॉर्ज, पॉली को कुछ कहो ना। जॉर्ज थोड़ा झिझक रहा है। हेलो। हेलो। पेपा और जॉर्ज को पॉली पैरट के साथ खेलने में सच में मजा आ रहा है। मैं हूँ पेपा पिग। मैं हूँ पेपा पिग। जॉर्ज, कुछ बोलो। पेपा और जॉर्ज पैरट बनने का नाटक कर रहे हैं। पेपा पॉली पैरट को कहने के लिए कुछ और सोच रही है। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। पेपा, जॉर्ज, क्या तुम पॉली के साथ खेल रहे हो? जी ग्रैनी। पॉली सच में एक प्यारा पैरट है। हाँ ग्रैनी। मैं एक होशियार पैरट हूँ। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। मैं एक बातूनी पैरट हूँ। ओ क्या कहूँ। ओहो। Piggy in the middle. जॉर्ज गार्डन में अपनी बॉल के साथ खेल रहा है। पेपा भी खेलना चाहती है। जॉर्ज, ये सही तरीका नहीं है। बॉल इस तरह से पकड़ते हैं। इस तरह नहीं। तुम ऐसा करते हो। पेपा कितनी शैतान छोटी सी पिग है। जॉर्ज, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। लगता है पेपा जॉर्ज को थोड़ा ज्यादा ही परेशान कर रही है। पेपा, तुम जॉर्ज को परेशान कर रही हो? ये सच नहीं है मम्मी, मैं उसे बॉल पकड़ना सिखा रही थी। मैं खेल जानती हूँ जिससे जॉर्ज सीखेगा गेंद कैसे पकड़नी है। इसे कहते हैं पिगी इन द मिडल। पेपा, तुम बॉल लो और वहाँ पर खड़ी हो जाओ, और जॉर्ज तुम वहाँ पर खड़े हो जाओ। बढ़िया, तुम्हें बॉल एक दूसरे की तरफ फेंकनी है और मुझे कोशिश करके पकड़ना है। मैं हूँ पिगी इन द मिडल। मम्मी है पिगी इन द मिडल। पकड़ो जॉर्ज।
गई। जॉर्ज ने बॉल पकड़ ली। हुर्रे! शाबाश जॉर्ज, अब तुम पेपा की तरफ बॉल फेंको। ओह, फिर कोशिश करो। ओह, कोशिश करो। जॉर्ज मम्मी के ऊपर से बॉल नहीं फेंक पा रहा है। रहने दो जॉर्ज, बॉल मुझे दे दो। क्या बात है जॉर्ज, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। पेपा जॉर्ज की नकल करना चाहती है लेकिन वो बहुत बड़ी है और फंस जाती है। बॉल मेरे पास है पेपा, अब पिगी बनने की तुम्हारी बारी है। जॉर्ज पकड़ो। हुर्रे! पकड़ लिया। जॉर्ज अब तुम बनो पिगी। जॉर्ज पकड़ो। बॉल को पकड़ो जॉर्ज। पकड़ो जॉर्ज। जॉर्ज पकड़ो। बॉल यहाँ है जॉर्ज। ओह डियर पेपा, तुम्हें जॉर्ज को इस तरह तंग नहीं करना चाहिए। माफ करना जॉर्ज। ये शोर कैसा है? डैडी, जॉर्ज पिगी इन द मिडल खेलने के लिए बहुत छोटा है। मैं जानता हूँ वो काफी बड़ा है। नहीं वो नहीं है डैडी, ये देखिए। इसे पकड़ो जॉर्ज। हुर्रे! ये ठीक नहीं है। हाँ ये ठीक है, मैं सिर्फ जॉर्ज की मदद कर रहा था। मम्मी क्या आप मेरी मदद करेंगी? बिल्कुल करूंगी पेपा। मेरी तरफ जॉर्ज, पकड़ो जॉर्ज। पेपा को बॉल पकड़ना पसंद है, जॉर्ज को भी बॉल पकड़ना पसंद है, सबको बॉल पकड़ना पसंद है। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। यक, गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम, तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए, उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ जरूर आ सकते हैं, ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बियर। मम्मी क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बियर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पिग, पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ डॉक्टर ब्राउन बियर आए थे,
उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बेयर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ, और रिबेका क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुंच गई। तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। गाड़ी की सफाई। डैडी पिग पूरे परिवार को गांव में घुमाने ले जा रहे हैं। चलो चले, सब लोग तैयार हैं? तैयार है। हाँ डैडी पिग, हम तैयार हैं। पर गाड़ी तैयार नहीं, देखो कितनी गंदी है। ओ, इतनी गंदी नहीं है, अंदर से देखो ज्यादा गंदी है। शरारती गंदे डैडी। शरारती गंदे डैडी। जरा ये सब कचरा तो देखिए। अखबार, वो मेरे हैं। चॉकलेट, वो मेरे हैं। मिस्टर डायनासोर, डायनासोर। घूमने जाने से पहले हमें गाड़ी साफ करनी चाहिए। ओ, सही कह रही हो मम्मी पिग। मम्मी, क्या हम आपकी मदद कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम्हें करनी हो तो। डैडी पिग गाड़ी धोने के लिए साबुन वाला गुनगुना पानी लाए। डैडी पिग छत धो रहे हैं। मम्मी पिग बोनेट धो रही है। पेपा दरवाजे धो रही है। जॉर्ज को खिड़कियां धोनी हैं, पर वो बहुत छोटा है। बेचारा जॉर्ज, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओहो, जॉर्ज ने अपना स्पंज मिट्टी के गड्ढे में गिरा दिया। जॉर्ज, तुम गाड़ी को दोबारा गंदा कर रहे हो। मैं मिट्टी को धो देती हूँ। पेपा, वो पानी गंदा है। ओफो, पेपा ने गंदा पानी पूरी गाड़ी के ऊपर फेंक दिया। ओह, कोई बात नहीं, हम बगीचे के पाइप से उसे धो देते हैं। हाँ हाँ, क्या मैं पाइप पकड़ सकती हूँ? पेपा ने पाइप पकड़ी और डैडी पिग ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा, रुको। सॉरी मम्मी। डैडी
डैडी पिग, प्लीज पानी बंद कर दीजिए। लो अभी किए देता हूँ। ओहो, सब भीग गए। चलो अब कार तो धुल गई। हम सब भी धुल गए। जाओ अपने आप को सुखा लो, मैं गाड़ी पॉलिश कर लेता हूँ। बाद में मिलते हैं। मिलते हैं बाद में। डैडी पिग इतनी अच्छी तरह से गाड़ी पॉलिश कर रहे हैं कि उसमें उनका चेहरा दिख रहा है। कितना मजेदार चेहरा है ना? ओ, और भी मजेदार चेहरे। ये तो पेपा और जॉर्ज हैं। और मम्मी पिग भी। कितनी सुंदर चमकीली गाड़ी है ना? हाँ, मैं इन सारी चीजों में बहुत ही एक्सपर्ट हूँ। चलो आज मैं चलाऊंगी। क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो फिर चलते हैं। उम्मीद करती हूँ कि तुम सब आज ये गाड़ी साफ रखोगे। हाँ मम्मी पिग। हाँ मम्मी पिग। मम्मी, अब आपने गाड़ी फिर से गंदी कर दी। शरारती मम्मी। शरारती गंदी मम्मी। The Museum। पेपा और उसका परिवार म्यूजियम जा रहे हैं। डैडी, म्यूजियम क्या होता है? ऐसी जगह जिसमें बहुत पुरानी और दिलचस्प चीजें होती हैं। आपसे भी पुरानी? हाँ, मुझसे बहुत बहुत पुरानी। ओह, बहुत ही पुरानी। एक कमरे में राजा और रानियों की बहुत सारी चीजें भरी पड़ी हैं। हाँ, मुझे राजा रानी का कमरा देखना है। वहाँ और एक कमरा है जिसमें असली डायनासोर है। वो डायनासोर। हेलो मम्मी पिग। हेलो मिस रैबिट। कितने टिकट चाहिए आपको? दो बड़े और दो बच्चे। डायनासोर। और एक डायनासोर। पेपा को वो कमरा देखना है जिसमें कई साल पहले हुए राजा और रानियों की चीजें हैं। वाह, डायनासोर। पर जॉर्ज को असली डायनासोर देखना है। रोना मत जॉर्ज, इसके बाद हम डायनासोर देखने जाएंगे। पेपा, ये सारी चीजें कई साल पहले रानी इस्तेमाल करती थी। ये है रानी की खास कुर्सी, उसे सिंहासन कहते हैं। बहुत सुंदर है। यह है रानी की ड्रेस। कितनी प्यारी है। देखो पेपा, ये है रानी का सोने का मुकुट। वाव, बहुत सुंदर है। मम्मी, रानी का टीवी कहाँ है? पेपा, उस समय टीवी नहीं होते थे। टीवी नहीं थी? पर क्या उनके पास कंप्यूटर थे? नहीं, उस समय कंप्यूटर भी नहीं थे। वो दिन भर क्या करते थे? मामी, अगर मैं रानी होती तो जितना चाहूं उतना केक खाती। पेपा खुद को रानी समझ रही है। आपको कुछ और चाहिए रानी पेपा? हाँ, और केक प्लीज। अभी ला कर देती हूँ। चलो अभी सब लोग। आ रही हूँ डैडी। डैडी, मैं हूँ रानी पेपा। मुझसे बात करते वक्त आपको झुकना होगा। ओह, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए रानी साहिबा। और वैसे आप क्या करते हैं? मैं आपका डैडी हूँ। ये तो बड़ा मजेदार काम होगा। हाँ, बड़ा ही मजेदार काम है ये। और ये कौन सा कमरा है? ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर का कमरा? जॉर्ज, ये डायनासोर का कमरा है। डायनासोर कहाँ है? वो कहीं कमरे में ही है। मुझे नहीं दिख रहा, लगता है बहुत ही छोटा डायनासोर है।
असल में पेपा वो बहुत ही बड़ा है। वाह! ये असली डायनासोर की हड्डियां है। डायनासोर। जॉर्ज खुद को डायनासोर समझ रहा है। डायनासोर आ गया! बचाओ, बचाओ! डायनासोर का कमरा जॉर्ज को सबसे ज्यादा पसंद है। राजा और रानी का कमरा मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। और लगता है डैडी पिग पहले ही अपनी पसंद के कमरे में चले गए। वो कौन सा कमरा है मम्मी? जिस कमरे में केक्स है। डैडी पिग को पसंद है म्यूजियम का कैफे। चलो आकर खा लो। ओ हाँ, ये सबसे अच्छा कमरा है। पेपा और जॉर्ज दादी और दादा पिग को मिलने आए हैं। दादी पिग, दादी एक। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, घर में अंदर आने से पहले जूते निकालो। जी दादी। पेपा, जॉर्ज, देखो मैंने क्या बनाया, छोटे पर्दे। ये छोटे पर्दे क्यों बनाए दादी? ये एक सरप्राइज है, तुम्हें देखना है दादा पिग ने बगीचे में तुम्हारे लिए क्या बनाया है। जी दादी। दादा पिग, दादा एग। हेलो पेपा और जॉर्ज, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या बनाया है, एक ट्री हाउस। एक ट्री हाउस जॉर्ज और मेरे लिए? और ये छोटे पर्दे तुम्हारे ट्री हाउस के लिए। पेपा और जॉर्ज को उनका ट्री हाउस बहुत पसंद आया। थैंक यू दादी पिग, थैंक यू दादा पिग। पहले अंदर कौन जाना चाहेगा? मैं। तो फिर चलो। अपने ट्री हाउस में जाने से पहले मुझे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। मैं अपने ट्री हाउस में हूँ, मैं अपने ट्री हाउस में हूँ। जॉर्ज, क्या तुम्हें भी ट्री हाउस में जाना है? बताओ कौन है? जॉर्ज नाम का एक नौजवान तुमसे मिलना चाहता है, क्या वो अंदर आ सकता है? हाँ, पर उसे अपने गंदे जूते उतारने होंगे। जॉर्ज, अपने जूते उतारो और फिर पेपा को मिलने ट्री हाउस में जाओ। कौन है? जॉर्ज? आप कौन है? मैं हूँ मम्मी पिग, क्या तुम्हारे पास मेहमानों के लिए जगह है? आपको सीक्रेट कोड बताना होगा, उसके बाद ही आप अंदर आ सकती हैं। अच्छा जी, और वो सीक्रेट कोड क्या है? मुझे आपके कान में बताना होगा, सीक्रेट कोड है डैडी का बड़ा पेट। ओ अच्छा। सीक्रेट कोड बताइए। डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब, डैडी का बड़ा पेट। मुझे लगता है ये सीक्रेट कोड बहुत ही बकवास है। मम्मी, आपको अंदर आने से पहले जूते उतारने होंगे। हाँ पेपा। डैडी आप भी अंदर आ सकते हैं। सीक्रेट कोड बताइए डैडी। क्या मेरे लिए अलग सीक्रेट कोड हो सकता है? नहीं। नहीं तो ठीक है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। अब आप अंदर आ सकते हैं डैडी, अपने जूते उतारिए। मुझे नहीं लगता मैं दरवाजे से अंदर आ पाऊंगा। क्योंकि आपका पेट बहुत बड़ा है। एक काम करते हैं, डैडी पिग ऊपर से जा सकते हैं।
पेपा, जॉर्ज, मम्मी पिग और डैडी पिग सभी ट्री हाउस में हैं। दादी, मुझे ट्री हाउस बहुत पसंद है, मुझे कभी बाहर नहीं आना। अच्छी बात है पेपा, क्या तुम्हें मेरे घर पर मुझसे मिलने नहीं आना? नहीं, मुझे नहीं आना। तो फिर कुकीज जो मैंने घर पे बनाई हैं, वो हम दोनों ही खा लेते हैं। कुकीज। दादी पिग, ये रही तुम्हारे लिए कुकीज। पर अगर तुम्हें अंदर आना है तो सीक्रेट कोड बताना होगा। ये आसान है, डैडी का बड़ा पेट। सही जवाब। मुझे अब भी लगता है कि ये सीक्रेट कोड बड़ा बकवास है। गर्मी का दिन, सूरज चमक रहा है, बहुत ज्यादा धूप है। कितना प्यारा सुहाना दिन है। पेपा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हुए हैं मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए। मुझे मिट्टी के गड्ढे बहुत पसंद है। ओफो, धूप इतनी तेज है कि सारे गड्ढे सूख गए हैं। मम्मी, डैडी, गड्ढे सारे सूख गए हैं और हम उनमें कूद नहीं सकते। कोई बात नहीं पेपा, इतनी धूप है तो तुम अपने स्विमिंग पूल में खेल सकती हो। हाँ, स्विमिंग पूल। लेकिन पहले तुम्हें अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने होंगे। जी मम्मी पिग। पेपा और जॉर्ज ने अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिए हैं, मम्मी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है और डैडी पिग ने भी स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया है। बहुत धूप है, तुम्हें सनक्रीम की जरूरत पड़ेगी। याक, बहुत चिपचिपा और गंदा है। याक। इसकी क्या जरूरत है? है, आज हम सबको जरूरत है। चलो जॉर्ज। इस पैडलिंग पूल में हम थोड़ी हवा भर देते हैं। डैडी पिग पैडलिंग पूल में हवा भर रहे हैं। कितना आसान है। पेपा ने पाइप पकड़ी और मम्मी ने पानी शुरू कर दिया। पानी कहाँ है? पेपा और जॉर्ज को अपना पैडलिंग पूल बहुत पसंद है। आइसक्रीम, आइसक्रीम। मिस रैबिट आइसक्रीम लाई है। आइसक्रीम। गर्मी के दिनों में मिस रैबिट आइसक्रीम बेचती है। मम्मी, डैडी, क्या जॉर्ज और मैं आइसक्रीम खा सकते हैं? अच्छा ठीक है, वैसे भी आज बहुत ज्यादा गर्मी है। क्या मुझे भी आइसक्रीम मिलेगी? सबको आइसक्रीम पसंद है। हेलो मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज। हेलो मिस रैबिट। आपको कौन सी आइसक्रीम चाहिए? क्या मुझे कोन मिल सकता है प्लीज? हाँ जरूर मिल सकता है पेपा। थैंक यू। मेरे लिए और डैडी पिग के लिए भी वही देना प्लीज। और छोटे मिस्टर जॉर्ज को क्या चाहिए? डायनासोर। डायनासोर? बुद्धू जॉर्ज, वो हर चीज के लिए डायनासोर कहता है। पर अच्छी बात ये है कि मेरे पास डायनासोर की आकार में एक कैंडी है, ये लो। डायनासोर। जॉर्ज, पिघलने से पहले अपनी आइस कैंडी खत्म करो। डायनासोर। जॉर्ज को डायनासोर की आइस कैंडी इतनी पसंद है कि वो उसे खत्म नहीं करना चाहता। थैंक यू मिस रैबिट। सब मजे करो। जॉर्ज, मुझे लगता है तुम्हें अपनी आइस कैंडी खत्म करनी चाहिए पिघलने और जमीन पर गिरने से पहले। ओहो, जॉर्ज की डायनासोर आइस कैंडी पिघल कर जमीन पर गिर गई। कोई बात नहीं जॉर्ज, तुम डैडी की आइसक्रीम में से खा सकते हो, वो बुरा नहीं मानेंगे। इतनी ज्यादा गर्मी है कि डैडी पिग सो गए। डैडी पिग को गर्मी लग रही है। चलो उन्हें ठंडा करने के लिए उन पर पानी डालते हैं। अच्छा आइडिया है पापा। क्या हुआ? आप गर्मी से पूरे लाल हो गए थे, इसीलिए हमने आप पर पानी।
पानी डाला। ओह अच्छा, थैंक यू पेप्पा। देखो पानी के गड्ढे। चलो जॉर्ज जूते पहनो। पेप्पा और जॉर्ज ने अपने जूते पहने हैं। पेप्पा और जॉर्ज को ऐसा गर्मी वाला दिन पसंद है, पर सबसे ज्यादा उन्हें गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है। मिस्टर स्किनी लेग्स। पेप्पा अपने गुड़ियों के घर से खेल रही है, जॉर्ज भी खेल रहा है। पेप्पा गुड़ियों के परिवार के लिए चाय पार्टी कर रही है। देखो जॉर्ज, मैं हूँ मम्मी और डैडी और तुम बच्चे बन जाओ। बच्चों चाय का वक्त हो गया है, अपने अपने हाथ धो लो। जॉर्ज गुड़ियों को सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज बच्चों को सुला क्यों रहे हो? के लिए चाय पार्टी है। जॉर्ज को गुड़ियों को सुलाना अच्छा लगता है। बच्चों जल्दी से सीढ़ियों से नीचे आ जाओ, वरना तुम्हें केक नहीं मिलेगा। जॉर्ज सुन नहीं रहा, वो गुड़ियों को सुलाने में बिजी है। जॉर्ज अगर तुम्हें मेरी गुड़ियों के घर से खेलना है तो तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी होगी। ये लो जॉर्ज, तुम इसमें पानी भर के ले आओ। बच्चों अभी नीचे आ सकते हो। मम्मी हमारे हैं। जॉर्ज टीपॉट में पानी भर रहा है। जॉर्ज को बेसिन में मकड़ी मिली है। जॉर्ज को मकड़ी से दोस्ती करनी है। जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। मकड़ी को भी जॉर्ज पसंद है। पेप्पा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। सारे चॉकलेट बिस्किट्स कहाँ हैं डैडी? मैंने कल बहुत सारे देखे थे। ओह मुझे माफ कर दो मम्मी, शायद मैं खा गया। हो हो हो। शरारती डैडी। जॉर्ज मकड़ी को बेड पर सुला रहा है। गुड नाइट। जॉर्ज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें चाय पार्टी में मेरी मदद करनी है। हो, फिक्र मत करो। प्लीज डैडी उसे बाहर निकालिए। डरने की जरूरत नहीं है। हेलो जॉर्ज, क्या तुमने स्पाइडर को देखा? प्लीज डैडी उसे निकालिए, वो बहुत डरावना है। डरने की जरूरत नहीं है पेप्पा, स्पाइडर्स बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो कुछ नहीं करते। फिर भी चिंता मत करो, डैडी इसे बेडरूम से बाहर ले जाएंगे। ये तो काफी बड़ा लग रहा है। मैं मम्मी को बुला कर लाता हूँ। मम्मी पिग। हेलो मिस्टर स्किनी लेग्स। पेप्पा थोड़ी बहादुर हो गई है। उसे मेरी गुड़ियों के घर में अच्छा लग रहा है। हेलो बच्चों, सुना है कि तुम्हें एक छोटा सा स्पाइडर मिला है। मैं उसे कमरे से बाहर निकालती हूँ, फिर तुम दोनों खेल सकते हो। मम्मी उसका नाम है मिस्टर स्किनी लेग्स। मिस्टर स्किनी लेग्स तो काफी बड़े हैं, है ना? पेप्पा और जॉर्ज को मकड़ी पसंद है। गुड नाइट। जॉर्ज मकड़ी को सुला रहा है। नहीं जॉर्ज, उसे चाय चाहिए, उसे अभी सोना नहीं है। क्या आपको भूख लगी है मिस्टर स्किनी लेग्स? क्या आप थोड़ा केक खाएंगे? पेप्पा को अब उस मकड़ी से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। मम्मी डैडी बैठ जाइए, अब हम सब मिस्टर स्किनी लेग्स के साथ चाय पियेंगे। चाय किसे चाहिए? मैं लूंगी। मुझे भी चाहिए। ये तो बहुत ही यम्मी है। पेप्पा को चाय पार्टी करना बहुत पसंद है। ये रही आपकी चाय मिस्टर स्किनी लेग्स। क्या हुआ? ओह मेरे डैडी को हेलो बोलना है। हेलो डैडी पिग। रहने दो पेप्पा, अब मिस्टर स्किनी लेग्स को उनकी चाय जो पीनी है। आपको डर तो नहीं लग रहा है ना डैडी? नहीं बिल्कुल नहीं। इतने नजदीक मत लाओ इसे।
पेपा को मिस्टर पतले पैर पसंद है, सभी को मिस्टर पतले पैर पसंद है। डैडी का मूवी कैमरा। पोस्टमैन मिस्टर ज़ेब्रा पेपा के घर पर एक पार्सल दे रहे हैं। आपके लिए पार्सल है मिस्टर पिग। थैंक यू मिस्टर ज़ेब्रा। बाय बाय। ये देखो मेरे लिए अभी पोस्ट से एक पार्सल आया है। चलो बताओ इसके अंदर क्या हो सकता है। डायनासोर। ओ जॉर्ज, तुम हमेशा हर चीज को डायनासोर ही कहते हो। इतने छोटे पार्सल में डायनासोर कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये एक नया खिलौना है। तुम बहुत करीब हो। मुझे पता है इसमें क्या है। आपका नया कैमरा, डैडी पिक का नया खिलौना। बिल्कुल सही, ये मूवी कैमरा है। हम इससे फिल्म बना सकते हैं और उसे टीवी पर देख सकते हैं। क्या मैं इसे पहले इस्तेमाल कर सकती हूँ? इसे इस्तेमाल करना तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, मुझे भी इंस्ट्रक्शंस पढ़ने होंगे। ये तो मेरे लिए भी मुश्किल है। सूजी शीप की मम्मी के पास एक मूवी कैमरा है, वो उसे ऐसे स्विच ऑन करती है। ओहो शाबाश पेपा। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। मैं आपकी पहली मूवी शूट करने के लिए बेताब हूँ। क्या इस आवाज़ को बंद करने का कोई तरीका है? मुझे नहीं पता। मूवी 3000 खरीदने के लिए शुक्रिया। सूजी के कैमरा में ये बटन दबाने से ये आवाज़ बंद हो जाती है। मूवी 3000। अब वो आवाज़ नहीं आएगी। शाबाश पेपा। तो पहले किसका वीडियो लूं? डैडी मेरा लीजिए। ओके पेपा। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। चलो आ जाओ सब लोग। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। अच्छा ठीक है। हेलो, मैं हूँ पेपा पिग। फिर से। चलो अब कोई नया वीडियो बनाते हैं। मैं जानती हूँ, डैडी पिग आप कमरे से बाहर जाइए, हम आपके लिए एक मूवी बनाएंगे। अच्छा आइडिया है। जब तक मम्मी पेपा और जॉर्ज एक सीक्रेट मूवी बनाते हैं, तब तक डैडी पिग को किचन में रुकना होगा। झांकना नहीं डैडी पिग। अब हम सबको कुछ करना होगा। जॉर्ज पहले तुम करोगे। क्या हो गया? क्या मैं अंदर आके देख सकता हूँ? हो गया, अब आप अंदर आ सकते हैं। जॉर्ज ने एक मूवी बनाई है और पेपा ने भी। तो चलो पहले जॉर्ज की मूवी देखते हैं। डायनासोर। इसमें जॉर्ज एक डायनासोर बना है। ये तो बड़ा डरावना डायनासोर बना है। ओहो, ये क्या? जॉर्ज डर गया। डरो मत जॉर्ज, टीवी पर कोई असली डायनासोर नहीं है, वो तुम हो। डायनासोर। अब पेपा की मूवी देखेंगे। हो हो हो। अब ये कौन है? मैं हूँ डैडी पिग। हो हो हो। अच्छा, मेरा पेट बहुत बड़ा है क्योंकि मैं बहुत। डैडी हो गए तंदुरुस्त। मम्मी पिग टीवी पर फिट रहने का प्रोग्राम देख रही हैं। और एक और दो और तीन और चार, झुको स्ट्रेच करो, झुको स्ट्रेच करो, एक और दो। मुझे टीवी देखना पसंद है। क्या चल रहा है मम्मी पिग? इस प्रोग्राम में तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज दिखाते हैं। अच्छा है, मुझे कसरत की जरूरत नहीं, मैं तो तंदुरुस्त हूँ। आप तंदुरुस्त नहीं लगते डैडी, आपका पेट थोड़ा बड़ा है। मैं तंदुरुस्त हूँ, अभी साबित करता हूँ। पहले क्या करके दिखाऊं? अपने पैरों को हाथ लगाइए ऐसे। आसान है। डैडी बहाना मत बनाइए, कोशिश तो कीजिए।
मैं बहाना नहीं बना रहा पेपा। डैडी पिग सचमुच अपनी पैरों की उंगलियों को हाथ नहीं लगा सकते। ओ डैडी, ये अच्छी बात नहीं है। मुझे थोड़ी कसरत कर लेनी चाहिए। जी डैडी, करनी चाहिए। और वो मैं करूँगा कल से। डैडी पिग, आपको अभी से एक्सरसाइज शुरू करनी होगी। ओह, फिक्र मत करो डैडी, मैं मदद करूंगी। ओ ठीक है, मुझे तंदुरुस्त बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, तो बताओ पहले क्या करूं? पहले आपको थोड़े प्रेस अप्स करने हैं। आसान है। एक, दो, शाबाश डैडी, अब मैं चाहती हूँ कि आप 100 करें। 100? हाँ। चलो बच्चों, खाना बनाने में मेरी मदद करो। मैं भी करूँगा। नहीं डैडी, आपको 100 प्रेस अप्स करने हैं। एक, दो। मम्मी पिग, पेपा और जॉर्ज किचन में लंच बना रहे हैं। डैडी पिग अभी भी अपने प्रेस अप्स कर रहे हैं। डैडी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 10? हाँ, पर बहुत ज्यादा भी नहीं करना चाहिए। 12? मैं जाकर देखती हूँ। 14? 15? 16? 17? डैडी पिग, आप चीटिंग कर रहे हैं, आपको प्रेस अप्स करने थे। वो क्या है ना, टीवी पर एक दिलचस्प प्रोग्राम आ रहा था। ओ शरारती डैडी। शायद डैडी को मेरी पुरानी एक्सरसाइज बाइक से ज्यादा फायदा होगा। इसमें मजा आएगा, मैं साइकिल भी चलाऊंगा और साथ ही टीवी भी देखता रहूंगा। ये तो नामुमकिन है, ये साइकिल बहुत शोर करती है, टीवी सुनाई नहीं दे रही। आपको कुछ भी करके तंदुरुस्त होना ही है। आइडिया, आप मेरी साइकिल इस्तेमाल कीजिए। हाँ, और इससे आपको ताजी हवा भी मिलेगी। डैडी पिग पेपा की छोटी साइकिल चलाएंगे। डैडी, ये रहे पेडल्स, ये है ब्रेक्स और ये है घंटी। हाँ हाँ, थैंक यू पेपा, मैं जानता हूँ। बाय बाय। कितना आसान है। फिट रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मैं बिना पैडल मारे भी साइकिल चला सकता हूँ। डैडी पिग बहुत तेज चला रहे हैं। ओह, मुझे अपनी स्पीड कम करनी होगी। इसके ब्रेक्स तो लग ही नहीं रहे। डैडी पिग ने बहुत देर कर दी। मम्मी, डैडी कहाँ होंगे? फिक्र मत करो पेपा, डैडी इतनी देर बाहर है मतलब उन्हें जरूर मजा आ रहा होगा। डैडी, आप कहाँ गए थे? मैं पहाड़ी में बहुत तेजी से नीचे गया था और फिर मुझे साइकिल को इतने ऊपर तक वापस लाना पड़ा। ओह, बेचारे डैडी पिग। पर मेरी एक्सरसाइज तो हो गई ना। हाँ, आज के लिए। क्या मतलब है तुम्हारा? कल फिर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। क्या? डैडी, अगर तंदुरुस्त होना है तो रोज एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अरे नहीं। पर कोई बात नहीं डैडी, मैं आपसे एक्सरसाइज करवाऊंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है। डैडी